बॉबी जी के समर्थक आज छोड़ेंगे नहीं मुझे। बॉबी जी से ही शुरू कर लेते हैं। बॉबी जी बताइए भाई, अपने समर्थकों के लिए, एक सेकंड, अब जवाब सुन। अगर आपको एक विकल्प बनना है तो आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि क्रांतिकारी नारे और भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी ये जो बेरोजगार, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, इतनी नौकरियों का सृजन बॉबी जी कैसे करेंगे, बताइए जरा। ये अगर यहाँ पे आज खड़े हैं तो हमारे भाषणों से नहीं है, हम लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष के साथ ही है उन लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संघर्ष किया जा सकता है। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना, जब हमें धमकियां आती थी, जब 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, तब हम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या है। देखिए, रोड मैप सीधा सा है कि इस उत्तराखंड में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी और हमने लड़ी है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप लड़ी है, बहुत अच्छा है। आप जैसा युवा आए, सामने आए, लड़े, मुद्दे उठाए, मैं नौकरी देने का आपका रोड मैप क्या है, अगले 5 लाइन में बताइए। नौकरी देने का रोड मैप, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा डबल इंजन आई है, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन आई है, और वो ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंटर में है। ये जब यहाँ टीरी डैम का जब एक ईंट रखी गई, जब उसका अनावरण हुआ, तो मैं ये कहता हूं कि उस डैम में आज जब आंकड़े जुटाएंगे तो यहाँ के लिए 12% रॉयल्टी वहां पर दी जा रही है मात्र। हम लोगों ने सैकड़ों गांव वहां डुबाए, हजारों 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 लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज पता है, अगर मैं आपसे पुनः पूछ रही हूं, मैं कह रही हूं, मैं नौकरी देने का रोड मैप बताइए, मैं बता रहा हूं, अगर उस डैम में हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती। सुनिए, अगर देखिए, आपको मैंने वादा किया था, आपके नेता को टाइम दिया है ना, अब उनको बोलने दीजिए, सुनने दिए। नौकरी देने का रोड मैप बॉबी पवार जी बता रहे हैं, सुनिए सब लोग। मैं बता रहा हूँ, नौकरी देने का जो रोड मैप है स्थानीय स्तर पर, सुनिए, आज जिस टीरी डैम में हमारे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, उस टीरी डैम में जिस प्रकार से केवल 12% रॉयल्टी के आधार पर, इस आधार पर उस रॉयल्टी या हिस्सेदारी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में हजार नौकरी कहा ना आपने, वहाँ से बाकी हजार, बाकी रोड मैप हजारों, और बाकी रोड मैप, बाकी रोड मैप मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं रुको प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन लाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ लाई है, समूह गौ और गौ में जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी, वो 2012 में मूल निवास समाप्त करके जो स्थायी निवास लाया है ना, वहाँ पे बाहर के युवाओं को यहाँ समूह गौ गौ में, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं मिल रही है, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं समूह गौ गौ में नौकरी मिल रही है, पर बाहर का युवा 5 साल में स्थायी प्रमाण बनाकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ठीक है आलोक जी, आपने उनका रोड मैप सुना, अपना रोड मैप बताइए, क्योंकि बात यह भी हो कि हर पार्टी का एजेंडा क्या है, वो कैसे बदलेगा उत्तराखंड की तस्वीर। देखिए, सबसे पहले और जो सवाल आए थे वो सब भी, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो रोजगार जाता है वो सबसे ज्यादा डिफेंस में जाता है। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी आते ही समाप्त करेगी, सबसे पहली चीज। उसके बाद 30 लाख पद जो सरकारी नौकरियों में केंद्र में खाली पड़े हैं उनको हम भरेंगे। तीसरा, हमने कहा कि हम पेपर लीक जितने हुए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा के, और जो कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है उनको भर्ती कराएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप सब उत्तराखंड के साथी हैं मेरे, आपको पता होगा कि गंगा की सफाई के लिए एक स्वामी जी थे जिनका नाम आप लोग में से शायद बहुत से नहीं जानते हो, ज्ञान स्वरूप जी महाराज। 67 दिन तक वो पूरी तरह से भूख हड़ताल पर रहे, उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। आज सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं कि जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान के भ्रष्टाचार, गंगा की सफाई के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उजागर किया। यहाँ की पूरी सभा से अंजना जी आज तक के दर्शक समझ गए होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महिला असुरक्षा है, और उसमें भी अंकिता भंडारी का केस, और उस वीआईपी का नाम पूरा उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, वो मुद्दा है महंगाई का।
कि उत्तराखंड में महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण लगभग 8 जिलों में जो भयंकर पलायन हुआ है इस डबल इंजन की सरकार में। मोदी जी आते हैं तो भाषण देते हैं बड़े बड़े कि यहाँ की जवानी और यहाँ का जल यहीं पर रोकूंगा, और उसके बाद भयंकर पलायन होता है। जवाब मोदी जी आते हैं और पलायन को बढ़ावा देते हैं। पलायन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घोस्ट विलेजेस बनना, गांव ऐसे जहां पर लोगों ने पलायन कर लिया है, क्या करेंगे उसके लिए? देखिए निश्चित तौर पे, एक मिनट सुन लीजिए, अब एक मिनट सुन लीजिए जरा, एक एक करके जवाब दे दूं। सबसे पहली बात जनरल विपिन रावत का अपमान किसने किया था? ये कह रहे हैं अग्निवीर खत्म करेंगे, यही के बेटे थे जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाले ये व्यक्ति कहते हैं अग्निवीर भी है, बताइए अग्निवीर एक साल के बाद आएगा, पलायन से दिखेगा अग्निवीर के जितने लोग हैं हर जगह सरकारी नौकरी में। और एक बात बता दूं आपको, लोकल एक मिनट, उत्तराखंड मोदी जी के दिल में बसता है। इन लोग के यहाँ पे नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है और कांग्रेस के झूठ से कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात आपको बता दूं अंजना जी, एक बात बताता हूँ, पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड आगे भी बढ़ेगा, देवभूमि आगे भी बढ़ेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और आज जितनी प्रगति देवभूमि कर रहा है वो लोगों के सामने दिखता है। 12 महीने मोटरबल सड़कें, शंट ब्याग तक रेलवे लाइन, एक पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम उत्तराखंड को आगे ही ले जा रहा है और नौकरी बढ़ा रहा है। और जहां तक रही है पेपर लीक की मामले की बात, और जहां तक रही आप अंकिता भंडारी की बात कर रही है, सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर किसी को शिकायत है न्यायालय में जाके अपनी शिकायत दे, यहाँ पे झूठ झूठ के सरकार को बदनाम करने की कोशिश लग रही है। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के कितने बच्चों ने इसी आर्मी में अपनी जान दी उस 370 के कारण, और ये 370 हटाना नहीं चाहते थे इस देवभूमि में। ठीक है, आप जवाब भी दीजिए और मेरा सवाल भी सुनिए। देखिए प्रश्न तो सभी जनता पूछ रहे हैं, लेकिन यहीं से मोदी मोदी के नारे भी निकल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है जो उस महिला ने पूछा था, महिलाओं की चिंता है तो महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते? उन्होंने एक दिया तो वो रानी है, आप लोगों ने तो वो भी नहीं दिया, महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? आप इतनी अच्छी उम्मीदवार बन सकती थी, महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? देखिए जहां तक अभी चुनाव की बात है अंजना जी, जहां तक आज चुनाव की बात है, हम तो ये जानना चाहते हैं जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं उसको अगर लागू कर देते तो महिलाओं को आरक्षित सीट मिल जाती, वो इनके कारण नहीं मिली हुई है। लेकिन अगर रानी को लेकर आए और उसे रानी बुलाते हैं तो आज यहाँ की जनता बता दे कि श्री देव सुमन के साथ खड़े हैं वो जिन्होंने चुनौती दी थी राजशाही को, या उस रानी के साथ खड़े हैं जिसको रानी बुलाते हैं? ये श्री देव सुमन का अपमान करके ये राजशाही को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक जरूर बात आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पे पंडा पुरोहित आंदोलनरत रहे, क्योंकि ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए जिसको इन्हें वापस लेना पड़ा था। क्यों? जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पे काम करने वाले पूर्व सैन्य कर्मी वो आंदोलन करते रहे और इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। और जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर 307 का मुकदमा इन्होंने क्यों लगाया? जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। अच्छा आप बोलिए। दो तीन बातें मैं बहुत फटाफट जल्दी जल्दी एकदम खटाखट। वी आर अ बॉर्डर स्टेट, नोबडी शुड ट्राई टू प्ले विद द फायर। ये मोदी सरकार है जिसको कांग्रेस के रिजिम में कहा गया था ये बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो चीन नाराज हो जाएगा, नीति माया को लास्ट विलेज कहते थे, मोदी जी ने कहा ये कंट्री का पहला विलेज है और बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, चार धाम रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, दिल्ली देहरादून इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नतीजा ये हुआ कि केदारनाथ में जाने वाले जो फुटफॉल है यात्रियों का वो कई गुना बढ़ गया है। यही हमारा रोड मैप है। सोना किसने चोरी किया ये भी बताइए, रोजगार ही बेरोजगारों का खाली हाथों को रोजगार का काम है। नारे लगाना, फर्जी नारे लगाना बेरोजगारों के खाली हाथों को रोजगार नहीं है, बल्कि स्वरोजगार को फैसिलिटेट करना, स्वरोजगार के अवसर देना, स्वरोजगार के लिए व्यवस्था
का बनाना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करना, उसके अनुकूल क्रेडिट पॉलिसी तय करना, ये रोड में छोटा है रोजगार देने के लिए। और हमने पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे करके, टैक्स हॉलिडे की फैसिलिटी दे करके उत्तराखंड में रोजगार का सृजन किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितनी भी एक्टिविटीज हुई वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की वजह से हुई। मैं दोहरा करके कह रहा हूँ, पर्यटन का विकास होगा, स्वरोजगार का विकास होगा, स्टार्टअप का विकास होगा, कारोबार का विकास होगा, तो बेरोजगारों के खाली हाथ को रोजगार मिलेगा। हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 9 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है और बॉबी जी एक हिंट तो दे देंगे, आप लोग कैसे कैसे चुनाव लड़िएगा, कैसे जीतिएगा, एक जगह जीत भी जाते हैं तो आप कितना कुछ बदल पाइएगा। अरे विधायक जी एक हिंट तो दे देते कि कैसे आप लड़िएगा, एक सीट जीत भी जाते हैं तो कैसे उत्तराखंड की तकदीर बदलिएगा। अगर हम एक सीट जीत जाते हैं तो हम 14 विधानसभाएं जीत गए, अगर एक सीट जीत गए 14 विधानसभाएं जीत गए, और जिस दिन हमारे पास 14 विधानसभाएं आ गई उस दिन इसका यहाँ इस उत्तराखंड में जो नीतियां बनेगी हमारे अनुसार बनेगी, वो हमारे अनुसार बनेगी। नारायण दत्त तिवारी सरकार में जो जियो आया था कि यहाँ के जो निजी क्षेत्र हैं या जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा, आज आंकड़े उठाकर देखिए कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा।